हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील के एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम के बारे में। तो गाइस, टाटा स्टील का जो एस्पायरिंग इंजीनियर का प्रोग्राम था, जिसकी हायरिंग अभी कुछ दिन पहले हो चुकी है एंड स्टूडेंट्स का सिलेक्शन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है, लाइक ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। गाइस, ऑनलाइन टेस्ट भी आपके जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स के बारे में देना चाहता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्यूरियस भी होते हैं जानने के लिए कि किस तरीके से आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। यहाँ पे मैं वो वाली सिलेक्शन प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ ऑनलाइन टेस्ट वगैरह की, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ सिलेक्शन के बाद आपका किस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है, लाइक आप कौन से जॉब पोजिशन पर वर्क करेंगे, आपका जॉब टाइटल क्या होने वाला है, ओके, कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, किस तरीके से आपका यहाँ पे वर्क होने वाला है, क्या प्रेफरेंसेस होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर हम बात करें, जनरली जो टाटा स्टील की हायरिंग होती है वो मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए होती है, बट इस बार जो उनका प्रोग्राम था सीएसएन आईटी स्टूडेंट्स के लिए भी उनकी हायरिंग होती है, बट यहाँ पे जो इनका ऐसा मास हायरिंग ही होती है। तो इस बार जो 2023 के लिए जो सीएसएन आईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए जो एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम था वो काफ़ी अच्छे, बट यहाँ पे मैं बता दूँ हायरिंग के टाइम पे यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की गई थी, भले आप यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बट सिलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे एक चीज़ मेंशन थी कि जो झारखंड एंड उड़ीसा स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर इनको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलने वाला है। ओके, झारखंड एंड उड़ीसा, तो बेसिकली अगर आप झारखंड एंड उड़ीसा स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर करें तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रेफरेंस मिलने वाला है। ये हायरिंग के टाइम पे ही चीज़ मेंशन थी, एंड अगर आप अदर स्टेट की भी है तो भी आपको मतलब सिलेक्शन तो ऐसा नहीं है कि वो सिलेक्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे, बट यहाँ पे इनको थोड़ा सा प्रेफरेंस ज़्यादा मिलने वाला है। ओके, तो आपको उस तरीके से कम्पीट करना पड़ेगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से तो। ओके, अब हम बात करते हैं कि आपका सपोज सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद आपका कौन सा जॉब प्रोफाइल होगा, किस तरीके से आप कौन सी जॉब टाइटल पे वर्क करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जॉब प्रोफाइल ओके, तो कैसे यहाँ पे आपका जॉब प्रोफाइल होने वाला है इंजीनियर ट्रेनी। ओके, सिलेक्शन के बाद आपका इंजीनियर ट्रेनी के जॉब प्रोफाइल पे सिलेक्शन होने वाला है, एंड एज अ इंजीनियर ट्रेनी आप वर्क कर रहे होंगे, एंड आपका जो टाइम ड्यूरेशन है एज अ इंजीनियर ट्रेनी कितने टाइम तक आप इसमें वर्क कर रहे होंगे, इसमें आप वर्क कर रहे होंगे 1 साल तक। ओके, सो 1 ईयर तक आप एज अ ट्रेनी वर्क कर रहे होंगे, दिस इज़ नॉट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। सो मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्टूडेंट सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, आप परमानेंट एम्प्लॉय बन चुके हैं, नहीं, 1 साल तक आप ट्रेनी के बेसिस पे काम करेंगे, ट्रेनी के पीरियड पे काम करेंगे। बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, आपका सभी का परमानेंट एम्प्लॉय एक लिमिट तक हो ही जाता है। तो 1 साल तक आप इंजीनियर ट्रेनी के पोजिशन पर काम करेंगे, उसके बाद ऑन दी रेगुलर बेसिस पर आपका 1 साल तक ट्रेंड ये आपका बेसिकली जो क्या है इंजीनियर ट्रेनिंग, आपका 1 ईयर का ये ट्रेनिंग पीरियड है। ओके, ट्रेनिंग पीरियड की मैं बात करूँ तो ट्रेनिंग पीरियड ये आपका 1 साल तक ट्रेनिंग पीरियड। तो स्टूडेंट को पता होता है कि किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होने वाली है, किस कितना टाइम ड्यूरेशन है। तो बेसिकली आपका जो ट्रेनिंग होता है प्रोजेक्ट में जो ट्रेनिंग मिलती है वो आपका कुछ महीने का होता है, 2 से 3 मंथ्स का, बट जो आपका बेसिक होता है ट्रेनिंग के बाद आप प्रोजेक्ट में वर्क करना भी स्टार्ट कर देते हैं उसके, वो आपका ट्रेनिंग के पोजीशन पर जब तक आप काम करेंगे वो आपका ट्रेनिंग पीरियड ही माना जाएगा। उसके बाद आपका रेगुलरली एवेलेशन के बाद आफ्टर 1 ईयर आपका यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होने वाला है। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के बाद आपका किस तरीके से यहाँ पे कौन सा जॉब पोजीशन यहाँ पे होने वाला है, परमानेंट एम्प्लॉय के बाद आप वर्क कर रहे होंगे एज अ असिस्टेंट मैनेजर। ओके, सो इसके बाद हम सैलरी के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि आपका स्टार्टिंग में कितना सैलरी असिस्टेंट। ओके, असिस्टेंट मैनेजर। ओके, सो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो आपको क्लियर हो गया कि 1 साल तक आप इंजीनियर ट्रेनिंग के पोजिशन में वर्क करेंगे, उसके बाद आफ्टर 1 ईयर आपका रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होगा, उसके बाद आप यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की पोजिशन पे डायरेक्टली मूव कर जाएंगे। सो विच इज़ वेरी गुड। एंड अब हम बात करते हैं इसके सैलरी ब्रेकडाउन के बारे में कि एज अ इंजीनियर ट्रेनिंग आपको कितना सैलरी मिलेगी। तो फर्स्ट 1 साल तक आपको पर मंथ मिलने वाला है 30K, जो कि काफ़ी अच्छा है फ्रेशर्स के लिए। अगर आप ज्वाइन करते हैं जब फ्रेश है तो यहाँ पे आपको 30,000 पर मंथ मिलने वाले हैं गाइस एज अ इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन पे। उसके बाद जब आपका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होगा आफ्टर वन ईयर आपका यहाँ पे होने वाला है 6.24 LPA। ओके, सो इतना आपका पैकेज होने वाला है, विच इज़ वेरी गुड।
ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 साल तक आपको 30,000 मिलने वाले हैं पर मंथ इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन पे। उसके बाद जो आपका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होगा उसके बाद आपके कंपनीज के पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड इसके बाद आपका CTC यहाँ पे हो जाएगा 6.24 LPA। ओके, तो 1 साल के बाद यहाँ पे आपका इतना सैलरी होने वाला है। दिस इज CTC ब्रेक डाउन। एंड उसके बाद हम बात करें अदर फर्क्स की, बेनिफिट्स की, तो बेसिकली यहाँ पे आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलने वाला है 2.5 LPA का। दिस इज वेरी गुड, जो कंपनीज में मिलता है जनरली। तो यहाँ पे आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलने वाला है जो कि आपके पर्क्स एंड बेनिफिट्स में आता है। बट जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स होंगे वो आपके परमानेंट एम्प्लॉयर के बाद या फिर आपके एक सिलेक्शन प्रोसेस के बाद कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो छोटे छोटे पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं वो आपके यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओके सो गाइस, इतना ही इन्फॉर्मेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, बिकॉज स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने से पहले या सिलेक्शन प्रोसेस से पहले जान लेना चाहिए सारी चीज़ें कि आपको जॉब टाइटल क्या होने वाला है, ट्रेनिंग पीरियड क्या होगा। तो आपके लिए मतलब माइंड में एक क्लियर चीज़ होनी चाहिए, राइट, कि आपका 1 साल तक होगा। तो उस तरीके से अगर आप 1 साल तक ट्रेनिंग पीरियड पर रहेंगे, 1 साल तक एज ए इंजीनियर ट्रेनिंग वर्क करेंगे एंड आपका यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आपका यहाँ पर एवेल्यूशन हो रहा होगा, तो उस तरीके से आप वर्क करेंगे, उस तरीके से अपने स्किल्स को प्रेजेंट करेंगे ताकि आपका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे हो जाए। आपका वर्क काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपका यहाँ पे CTC भी चेंज होगा। तो डेफिनेटली यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू शो योर स्किल सेट ओवर देयर। एंड ओके, सो आई होप डिटेल्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी। एंड आगे की वीडियोस में मैं एक वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ जो कि है इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। सो टाटा स्टील के बारे में अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस की कोई भी दिक्कत है तो मैं एक वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ डेट इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दी